मोहनलाल का एक काशीपुर में बहुत बड़ा अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में करीब 25 बच्चे रहते थे जिनका ध्यान शांता दीदी रखती है। एक दिन अनाथ आश्रम में सरिता नाम लड़की का जन्मदिन होता है। मोहनलाल सरिता के लिए केक लेके आता है। चलो सारे बच्चे बाहर हॉल में इकट्ठा हो जाओ, आज सरिता का जन्मदिन है, तो पहले हम केक काटेंगे और फिर सारे बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उस अनाथ आश्रम में राहुल नाम का 6 साल का लड़का होता है जिसे बहुत ज्यादा केक पसंद होता है। आज तो हमें केक मिलेगा, ये आज तो हमें केक मिलेगा। सब बच्चे हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। सरिता अपना केक काटती है। चलो अब सब लोग टेबल पर बैठ जाओ और अच्छे से केक खाओ, फिर उसके बाद आप सबको खाना मिलेगा। सभी टेबल में बैठकर केक खाने लगते हैं। ओए राहुल, तेरे पास इतना सारा केक कहाँ से आया? हमें तो इतना सारा केक नहीं मिला और तेरे पास तो हमसे ज्यादा टॉफियां भी हैं। क्या तूने किसी की चुराई है, चोर कहीं के? नहीं नहीं भैया, वो मुझे सरिता ने अपनी टॉफी भी दे दी और मुझे केक बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए मोहनलाल अंकल जी ने मुझे थोड़ा ज्यादा केक दे दिया। ये सब बातें मत बना, समझा? मुझे सब पता है कि तूने ये केक और टॉफियां चोरी से ली है, इसीलिए चुपचाप ये मुझे दे दे। नहीं पिंटू, ये मैंने सच में नहीं चुराया, ये सब मुझे मिला है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। पिंटू राहुल के केक और टोपियां छीनने लगता है। इसकी वजह से राहुल नीचे गिर जाता है और उसके मुंह पे चोट आ जाती है और उसके दांत में दर्द होने के कारण वो कुछ खा भी नहीं पा रहा था। क्या हुआ राहुल, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? मेरे दांत में दर्द हो रहा है दीदी, शायद वो हिल भी रहा है, इसलिए मैं खाना नहीं खा पा रहा। ओह, तो तुम जाकर ठंडे पानी से कुल्ला कर लो और फिर चुपचाप सो जाना। ठीक है दीदी। राहुल वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी से कुल्ला करता है, तभी उसका दांत निकलकर वॉशरूम के पाइप के सुरंग में चला जाता है जहां पर एक काले दांत वाली चुड़ैल रहती थी और उसके दांत बहुत ज्यादा खराब हो रखे थे, इसीलिए वो नए दांत की तलाश में थी। वो राहुल के दांत को लगा लेती है और उसके काले दांत को ऊपर फेंक देती है और बोलती है, कितना प्यारा और सुंदर है ये दांत, ये जरूर किसी छोटे से प्यारे से बच्चे का होगा, अब मुझे और दांत चाहिए, बहुत सारे दांत। ये क्या, मैंने तो अभी इसमें अपना सफेद दांत फेंका था, तो उसकी जगह ये काला दांत कहाँ से आया? बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ हूँ इस वॉश बेसिन के नीचे। क्या सच में तुम इस वॉश बेसिन के नीचे हो? पर तुम हो कौन? मैं कौन हूँ वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, पर अभी जाओ और इस दांत को अपने तकिए के नीचे रख देना और फिर देखो सुबह तुम्हें क्या मिलेगा। राहुल उस दांत को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है और सुबह होने पर उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। राहुल के पास इतने पैसे देखकर पिंटू उसे डराकर पूछता है, ओए लड़के चल चुपचाप बता कि ये पैसे कहाँ से चोरी करके लाया है। राहुल डर के कारण पिंटू को सारी बात सच बता देता है। पिंटू को राहुल की बात सुनकर लालच आ जाता है। रात में जब सब सो जाते हैं, पिंटू अपना दांत तोड़ता है और वॉशरूम के पाइप में डाल देता है और चुड़ैल के काले दांत को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है और उसे भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं। पिंटू को और ज्यादा लालच आ जाता है और वो धीरे धीरे करके अपने पूरे दांत तोड़ लेता है। अब तो मेरे मुँह में एक भी दांत